सीतापुर जनपद में सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारकों ने ज्योति स्वास्थ्य सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय पाल के नेतृत्व में सीतापुर सीएमओ कार्यालय पहुंचकर सीएमओ मधु गैरोला को कोर्ट के आदेश की प्रतियां संलग्न कर ज्ञापन सौंपते हुए रजिस्ट्रेशन करने की मांग की है। आरोप है कि सीएमओ सीतापुर ने कोर्ट की प्रतियां गलत कहते हुए ज्ञापन से फाड़ कर फेंक दी और सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारकों को ऑफिस से निकाल दिया, जिससे आहत होकर न्याय के लिए डिप्लोमा धारकों ने जिला अधिकारी अनुज सिंह की चौखट पर दस्तक दी और अपनी व्यथा सुनाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय पाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में सैकड़ों डिप्लोमा कॉलेज हैं, जिसमें ग्रामीण अंचलों के युवाओं को प्राथमिक उपचार करने की आज़ादी बताकर 2 वर्षीय सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा कराया जा रहा है, लेकिन सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारकों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें फर्जी बताकर प्राथमिक उपचार करने से रोका जा रहा है और कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उच्च व सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः 2003 व 2021 में सीएमएस एंड ईडी डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वैध बताते हुए पंजीयन कराने के आदेश पारित किए हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी चिकित्सक को नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। एक CMACD कोर्स होता है जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं, जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए CMO ऑफिस आए हुए थे बच्चे। तो मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन आप इनका दीजिए, तो बोले रजिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं होता है। मैं मान गया कि इसका गवर्निंग बॉडी का कोई बोर्ड नहीं है, मानता हूँ ये रजिस्ट्रेशन ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको प्रताड़ित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार के लिए वैध हैं, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन देने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनको भगा दिया गया है आज ऑफिस से कि जाइए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मैं DM को पत्र लिख रही हूँ, DM के आदेश के अनुसार आपको बंद करवा देंगे, इसी धमकी दी जा रही है लोगों को। तो आपने CMO महोदय को, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया, उसको अवगत करवाया है, क्या उन्होंने बताया आपको? उसने उसको फाड़ के फेंक दिया है, बोले कि हम आदेश नहीं मानते हैं। अब आपकी क्या मांगे हैं? मैं DM साहब के वहाँ जा रहा हूँ सीतापुर, मैं उनसे जो भी बात है वो मैं बात करता हूँ। यहाँ कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, कोर्ट का आदेश ये लोग नहीं मानेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर अजय पाल, ज्योति स्वास्थ्य सेवा संस्थान प्रदेश अध्यक्ष। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।